गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हम लोग आज कंटिन्यू है पॉलिनेशन में। तो आपने देखा था कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का डिफिनेशन। अगर बायोटिक या एबायोटिक एजेंसी रिक्वायर्ड हो ट्रांसफर ऑफ पॉलिन के लिए तो उसको कहेंगे हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन या जेनोगैमी। इसमें जो दो पार्ट हैं पॉलन और एग, ये दोनों का जेनेटिक्स अलग अलग है ना। इसका मतलब दो अलग अलग प्लांट पर फ्लावर्स हैं। इसमें जो एजेंसीज हैं दो तरह के, बायोटिक और एबायोटिक एजेंसीज। एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग एजेंसी, जैसे विंड वाटर, ये हो गया एबायोटिक में। इस तरह से फिर बायोटिक में देखेंगे। सबसे पहला है विंड, जिसको हम लोग कहते हैं एनीमोफिली। एनीमो मीन्स विंड, फिली मीन्स लविंग अट्रैक्टिंग। अगर कोई पॉलिनेशन विंड के द्वारा सपोर्टेड है तो इसको कहेंगे हम लोग एनीमोफिली, पॉलिनेशन थ्रू विंड। अब अगर विंड ही पॉलन को ट्रांसफर कर रहा है एक से दूसरे फ्लावर तक, तो यहाँ पर फ्लावर्स में कौन कौन सा प्रॉपर्टी आप कंसीडर कर सकते हैं। आप दिमाग में रखें कि जो दोनों प्लांट है, एक का पॉलन दूसरे का स्टिग्मा, वो एक किलोमीटर भी दूर हो सकता है, कुछ सेंटीमीटर भी हो सकता है, सेवरल किलोमीटर्स भी हो सकता है। अब आप कैसे यहाँ के पॉलन को वहाँ तक पहुँचाएंगे विंड के द्वारा, इसके लिए फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट्स जो यहाँ से जा रहे हैं और जो उसको रिसीव करेंगे, दोनों में क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए आप बताइए। कि क्या फ्लावर्स को ब्राइटली कलर्ड होना चाहिए? ब्राइटली कलर्ड किसको अट्रैक्ट करेगा? विंड को कि इंसेक्ट एनिमल्स को? विंड को तो नहीं करेगा। तो विंड या वाटर जो एबायोटिक एजेंसीज हैं, उसके लिए फ्लावर्स को कैसा होना है, उसमें कलर की जरूरत नहीं है। नेक्टर, नेक्टर क्या है? अवार्ड ऑफ इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। फ्लावर मजदूरी देता है पॉलिनेटर्स को, इंसेक्ट को, लेकिन हवा को तो कोई मजदूरी नहीं चाहिए, उसका तो कोई न्यूट्रिएंट की जरूरत है नहीं। तो फ्लावर्स शुड बी स्मॉल इनकंसिपिकुअस, सोई नहीं होना चाहिए, ब्राइटली कलर्ड नहीं होना चाहिए। वो एयर को अट्रैक्ट नहीं करता है, एयर कोई बायोटिक एजेंसी नहीं है, उसमें सेंस नहीं है। फ्लावर्स यूजुअली आर कलरलेस, नेक्टरलेस एंड ऑडरलेस। स्मेल की भी कोई जरूरत उसमें नहीं है। हाँ, मेल फ्लावर्स एबंडेंट होना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिन यहाँ से जाएगा स्टिग्मा पर जो किलोमीटर्स ऑफ अवे है, और उस स्टिग्मा पर ही पड़े, इसका प्रोबेबिलिटी कितना कम हो जाएगा। अब इतना सरफेस एरिया से उतना बड़ा सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है रैंडमली, और कहीं पर उसका स्टिग्मा है उसी पर जाए, तो इसके लिए यहाँ पर इसका एबंडेंस बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है एंथर्स आर एक्सर्टेड एंड वर्सेटाइल। एक्सर्टेड का मतलब हवा चली और बस हवा में उड़ने लगे। अगर ढका हुआ है बहुत ज़्यादा, कंजर्व्ड है, तो विंड बहुत ज़्यादा आएगी तभी हो सकता है कि वो किसी खास डायरेक्शन में जाए, इसको और डायरेक्शन में जाना होगा। नेक्स्ट है पॉलन ग्रेन्स आर स्मॉल, स्मूथ, नॉन स्टिकी, लाइट, अनवेटेबल, ड्राई। क्यों? आप तो समझ ही गए कि अगर पॉलन ग्रेन मॉइस्चर सूख लेगा, भारी हो जाएगा, तो हवा में उड़ेगा ही, इसलिए उसका अनवेटेबल, ड्राई होना चाहिए। स्मॉल ही क्यों होना चाहिए? ताकि उसका वेट सबसे कम हो, लाइटेस्ट हो, हवा के साथ बहुत दूर दूर तक उड़ सकता हो, स्टिकी हो स्टिग्मा के ऊपर। नेक्स्ट आइए अस्टिग्मा में क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अस्टिग्मा एक्सर्टेड होना चाहिए, बाहर की तरफ खुला होना चाहिए, ताकि पॉलन आने का चांस ज़्यादा से ज़्यादा हो। फेदरी हो, जैसे कॉब में देखते हैं मकई में जो सिल्क रेशा निकला हुआ है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलन को कैच कर सके। नेक्स्ट है पिस्टिल सिंगल ओव्यूल होता है इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉलन यहाँ आएगा नहीं। एग्जाम्पल कोकोनट, डेट, मलबरी, पॉपुलर, ये सब है,
ये हो गया एनिमोफिली, और दूसरा जो एबायोटिक एजेंसी है वह हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली में डिफिनेशन क्या बनता है, पॉलिनेशन बाय वाटर। इट अकर्स मोस्टली इन 30 मोनोकॉट जेनरा ऑफ प्लांट्स, मोस्टली मोनोकॉट में ही होता है ना। पॉलिनेशन, आपने देखा था कि जो एबायोटिक एजेंसीज हैं विंड और वाटर, तो वाटर तो मोनोकॉट में मिलनी है, इसका एग्जांपल्स है लेमा, लेमनावेस्टिनिया, सिरेटोफाइलम, स्टेराइटिस। वाटर हायसिंथ और वाटर लिली एक्वेटिक प्लांट्स हैं, लेकिन इसमें जो पॉलिनेशन है वो अलग तरीके का होता है, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए इसको यहाँ अलग से लिखा गया है। इसके फ्लावर्स में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, हाइड्रोफिलस फ्लावर्स यानी ऐसे प्लांट जो वाटर के हेल्प से पॉलिनेशन करने वाले हैं, उसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स जरूरी होती हैं। देखिए सबसे पहला है फ्लावर्स आर स्मॉल इन कंस्पिकुअस, क्योंकि ये एबायोटिक फैक्टर है, तो फ्लावर को सोई होना जरूरी है, नेक्टर इसको अवॉइड करना नहीं है, या इसमें स्मेल की कोई ज़रूरत ऑर्डर की नहीं होती है ना। नेक्स्ट क्या है, सराउंडेड बाय म्यूसिलेजस कवरिंग, चिपचिपे होते हैं, स्टिकी होते हैं, लाइट एंड अनविटेबल पॉलिन होता है ताकि पानी इधर से उधर मूव करे, किसी चीज़ में चिपके नहीं हो, लॉन्ग स्टिकी स्टिग्मा होना चाहिए ताकि चांस ऑफ जो एडहेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। हाइड्रोफिली भी दो तरह का है, पानी के सरफेस के ऊपर होने वाला पॉलिनेशन और पानी के अंदर होने वाला पॉलिनेशन, तो ईपी और हाइपो। हाइपो मीन्स बिलो इनसाइड वाटर, और ईपी मीन्स सरफेस पर, आउटर सरफेस। तो देखिए हाइपो हाइड्रोफिली में सबसे पहले पानी के अंदर जो होता है पॉलिनेशन, जो स्टेरा सेरेटोफाइलम, जो स्टेरा में क्या है कि पॉलन जो है वो लॉन्ग रिबन लाइक है और पानी के ऊपर फ्लोट करता है, और स्टीमा के ऊपर क्वाइल कर जाता है, वो भी लॉन्ग है। उसी तरह से सेरेटोफाइलम में क्या हुआ, पहले पॉलन ऊपर राइज करता है, पानी में स्वेल करके भारी होकर नीचे बैठने लगता है, और नीचे में स्टिग्मा के ऊपर जाकर वो सेटल कर जाता है। इस तरह से आइए अब देखते हैं ईपी हाइड्रोफिली में, जो वाटर सरफेस के ऊपर पॉलिनेशन होने वाले हैं, उसका एक एग्जांपल ले रहे हैं वैलिशनेरिया। वैलिशनेरिया में बहुत विशेष तरह का स्ट्रक्चर दोनों ही है, फीमेल पार्ट भी और मेल पार्ट। यहाँ ट्राइफिट स्टिग्मा है जिसमें पतवार नाव सब बना हुआ है टेपल के द्वारा, और यहाँ पर देखिए मेल फ्लावर है, इसमें भी स्टेमन लगा हुआ है, ये फ्लोट करते करते इसमें जाकर फंस जाता है, और इस तरह से सरफेस पर इसका पॉलिनेशन हो जाता है। बायोटिक एजेंसी ऑफ पॉलिनेशन और जूफिली, जू मीन्स एलिमेंट्स, तो इसमें कौन कौन से आएंगे, इंटोमोफिली इंसेक्ट के द्वारा, और नीथो बर्ड्स के द्वारा, बैट्स के द्वारा, चीरो टेरोमाइल एकोफिली मैमेकोफिली एंथ्रोफिली इटिस। सबसे पहले देखते हैं इंटोमोफिली को, पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट्स, मॉथ बीज वास फ्लाई इटिसी। आप जानते हैं कि 70% या उससे ज़्यादा पॉलिनेशन अकेले इंसेक्ट्स ही करवाते हैं। इसके लिए फ्लावर में कौन कौन से कैरेक्टर्स होने चाहिए, क्योंकि इंसेक्ट एनिमल है और एनिमल्स बिना लोभ के तो कहीं जाएगा नहीं, हवा पानी की तरह तो है नहीं, उसको क्या चाहिए, दूर क्या दिखना चाहिए, कलर्ड डिजाइन का स्पेस होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए, नेक्टर होना चाहिए। इस तरह का अगर सिचुएशन कहीं दिखता है तो वहाँ पर जाकर ये लोग अपना परिश्रम शुरू करते हैं। और देखिए इसमें फ्लावर्स में क्या क्या होना चाहिए, एग्जाम्पल कैलोट्रॉपिस, साल्विया, फिग, यूका, फ्राइसिटिस। यहाँ पर एक केस है, देखिए इसको कहते हैं टर्न पाइप मैकेनिज्म, टर्न पाइप
एक लीवर मैकेनिज्म है फिजिक्स में, वैसे दबाने सीधा से उठता है। इसी तरह का कुछ सिचुएशन यहाँ है। इस फ्लावर में देखिए, यहाँ पर नेक्टर है जहाँ तक इंसेक्ट को आना है। जैसे ही इंसेक्ट इसमें इंटर करेगा और इसमें इसको धकेलेगा, तो ये अपने आप जो फर्टाइल वाला एंथर लोब है इसकी पीठ पर आकर झड़ जाएगा। पॉलन इस पर लोड हो गया, अब ये खाते पीते बाहर निकलेगा, दूसरे फ्लावर में जाएगा जहाँ पर स्टिग्मा है, तो स्टिग्मा पर भी कैरी ऑन हो जाएगा। इसको कहते हैं लोग टर्न पाइप मैकेनिज्म। यहाँ पर जूफिलिक का कुछ अदर टाइप्स भी है, जैसे फिग में जिसको हम लोग गुलर कहते हैं, बर्गर का हो गया मैंगन, वहाँ पर वास्प बैलेस्टोफैगा एक देता है और उसका जो ग्रब्स है वो जब बाहर निकलता है तो उस पर पॉलन चिपका रहता है और वो फीमेल फ्लावर पर चला जाता है। युक्का में भी एक मौत है प्रोनियुबा, इसी तरह से एक लेंग के लिए इंटर करता है और वहाँ पर चारों तरफ घूमता है। नेक्स्ट है ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली मीन्स पॉलिनेशन थ्रू बर्ड्स। बर्ड्स के लिए क्या होना चाहिए? फ्लावर लार्ज साइज, ब्राइटली कलर्ड, नूक ऑर्डर अबंडेंट, उसमें नेक्टर होना चाहिए। जैसे चिरोप्टेरोफिली हो गया, पॉलिनेशन बाय बैट्स, एक कदम बाओ बैक ट्रीज पर पॉलिनेशन कराते हैं। मैलेकोफिली स्नेल्स के द्वारा, कोबरा प्लांट में। मायरमेकोफिली यानी एंट्स के द्वारा। एंथ्रोफिली मीन्स ह्यूमन बींग्स के द्वारा, जिसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। अब है कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए प्लांट को विवश करते हैं, कंडीशन में डाल देते हैं कि वो जब करेगा तो क्रॉस ही कर सकता है। उसके लिए कौन कौन सारे कंडीशंस हैं, कौन कौन से डिवाइसेस हैं, देखिए कौन कौन से डिवाइसेस यहाँ हैं। पहला है यूनिसेक्सुअलिटी। अगर कोई प्लांट यूनिसेक्सुअल है, मतलब या तो उसमें केवल मेल प्लांट पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी एस्टेमिनेट फ्लावर, या वो फ्लावर पिस्टिलेट है, सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट उसमें है। जब दोनों यूनिट उसमें है ही नहीं, इसका मतलब क्या है? वहाँ पर एजेंसी की जरूरत होगी, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। यानी यूनिसेक्सुअलिटी के केस में अगर कोई फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो उसको क्या करना होगा? क्रॉस पॉलिनेशन ही एक रूल है, इसके लिए वही करना होगा। डाइकोगैमी, डाई मीन्स टू, डाइकोगैमी। अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही फ्लावर में है, अपेंडिजेज एक ही फ्लावर में है, लेकिन दोनों का जो मैचुरेशन है वो सिंक्रोनस साइमल्टेनियस नहीं है, मतलब एक ही समय पर दोनों अपने एग मैच्योर, एग और पॉलन मैच्योर नहीं करते, तो क्या होगा? हो सकता है पहले पॉलन ग्रेन ही मैच्योर हो जाए, तो इसको कहेंगे प्रोट एंड्री। प्रोट मतलब पहले, एंड्री मतलब मेल, प्रोटैंड्रस कंडीशन। तो अगर पहले मेल ही मैच्योर कर गया तो क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। हाँ, यही पॉलन अगर दूसरे फ्लावर पर जाए जो ठीक इसी समय उसका एग मैच्योर हुआ है, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए। अगर पहले फीमेल ही मैच्योर कर गई एक फ्लावर में, उसका अपना जो मेल है वो मैच्योर नहीं हुआ, तो उसको कहते हैं प्रोटोगाइनी। इस कंडीशन में भी अगर दूसरे प्लांट से, दूसरे फ्लावर से अगर पॉलन पहुंचता है, तभी यहाँ पर सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन संभव है, सेल्फ तो होगा नहीं। यानी डाइकोगैमी में दो टाइप हो गया, कौन-कौन? प्रोटोएंड्री और प्रोटोगाइनी। पहले मेल मैच्योर हुआ फीमेल नहीं, पहले फीमेल मैच्योर है तो मेल नहीं। इन बोथ कंडीशंस क्रॉस पॉलिनेशन इज द रूल। नेक्स्ट आई सेल्फ स्टेरिलिटी। कुछ प्लांट में एक सर्टेन जेनेटिक्स का जो मल्टीपल एलील है, वो उसका जो पॉलन है अपने ही जेनेटिक्स वाले जो स्टिग्मा है उस पर वो पॉलिनेट नहीं कर पाता है, इसको सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं। तो जहाँ पर सेल्फ स्टेरिलिटी है तो वहाँ दूसरे मल्टीपल एलील का कोई पॉलन लाकर वहाँ डालना होता है, यानी कि वहाँ क्रॉस पॉलिनेशन ही संभव होगा।
नेक्स्ट है हेटरोस्टाइली। हेटरो मीन्स डिफरेंट काइंड का स्टाइली, यानी कि उसका जो स्टेबेन है और उसका जो पिस्टिल है दोनों का जो हाइट है वो अलग अलग है। एक्चुअली सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कॉन्टैक्ट में आने के लिए, अपने आप कॉन्टैक्ट में आने के लिए दोनों की जो हाइट्स हैं बराबर होनी चाहिए, किसकी, स्टेमेन की और स्टिग्मा की। लेकिन अगर कोई ज़्यादा लंबा है छोटा है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जो जितना लंबा मेल मान लो लंबा है फीमेल छोटा है, तो जिस अदर जेनेटिक्स का पार्ट जो है उसमें लंबा अगर फीमेल पार्ट है तो इसके साथ क्या होगा, पॉलिन का ट्रांसफ़र हो सकता है, ज़्यादा चांस बनता है। छोटे हाइट वाला कछुए छोटे के साथ होगा। तो अगर एक ही प्लांट एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट अलग अलग हाइट्स के हैं तो चांस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन वहाँ लगभग कम हो जाता है, यानी क्रॉस पॉलिनेशन ही वहाँ होगा। तो इन सारी स्थितियों में आप देख सकते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन इज द रूल। दिस डिवाइसेस प्रोपेल द फ्लावर टू परफॉर्म ओनली एंड ओनली क्रॉस पॉलिनेशन। नाउ सी व्हाट आर इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। जैसे सेल्फ पॉलिनेशन में आपने देखा, अब यहाँ पर देखिए क्रॉस पॉलिनेशन का अपना कुछ इम्पोर्टेंस है। मोर वेरिएशन, अब जान रहे हैं कि फिर दो जेनेटिक्स वाले प्लांट्स आपस में मिल रहे हैं और एक नया जेनेटिक्स तैयार हो रहा है, तो जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें वेरिएशंस होंगे, कई तरह के गैमेट्स का उसमें फ्यूजन का चांसेस बनता है, कई तरह के न्यू ऑर्गेनिजम्स का अपीयरेंस होगा, इसके कारण उसमें क्या होगा, वेरिएशन ज़्यादा होगा। हेटरोसिस कहते हैं इसको, अलग अलग जेनेटिक्स वाले प्लांट एक ही स्पीसीज के अगर आपस में मिलते हैं तो उनका ऑफ स्प्रिंग्स ज़्यादा विगर का होता है, ज़्यादा रेसिस्टेंस का होता है और इसको ग्रेटर हेटरोसिस कहते हैं। मोर एडेप्टेशन, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस बदलते रहते हैं, नेचर का जो एबायोटिक फैक्टर्स है वो चेंज कर रहा है, तो ऐसे में जो जेनेटिक वेरिएशन लाने वाले प्लांट्स हैं उनका सर्वाइवल का चांस भी बहुत ज़्यादा होता है। और अगर अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स है प्लांट में और किसी दूसरे पार्टनर में अगर वो अनडिजायरेबल कैरेक्टर नहीं है तो अनडिजायरेबल की जगह पर दूसरे का डिजायरेबल कॉपी होकर आ सकता है, यानी कि किसी न किसी जनरेशन में सेक्सुअल क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स का जो डिलीशन है वो पॉसिबल हो सकता है। तो इस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन में ज़्यादा फायदा देखते हैं, है ना। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। After double fertilization in angiosperm, there are formation of two zygotes simultaneously. One develops into embryo and another develops into endosperm. These endosperms are consumed by developing embryo. Sometimes these endosperm remains. And in a seed, there are present three types of structures. A typical cell contains 1 to 2 seed pods, 1 to 2 cotyledons and an embryo. So, an ovule after fertilization and maturation become a seed and the ovary after fertilization and maturation become a fruit. So, it is defined, seed is ripened ovule and fruit is ripened ovary after sexual reproduction. Now, these are three parts of seed coat, cotyledon and embryo. Cotyledons are reserved food materials. It may be in huge quantity or totally consumed by the embryo. Sometimes endosperm is remaining even after development of zygote into embryo. So, there are two types of seed. Albuminous or endospermic seed and ex-albuminous or non-endospermic seed. Albuminous seed contains a special food remaining there called endosperm, and here endosperm is totally consumed. Cotyledons are thin and here cotyledons are thick. Example, castor maize and here is bean.
Now seed coat. Seed coat after maturation become two layered testa and tegmen. Testa is outer thick, sometimes leathery, but tegmen is thin, powdery. So these are two layers. Now micropyle. Micropyle is still remaining in the seed. That is like a pore which is for passage of O2 and water inside the seed. Now one another structure may be present with some seeds, that is periasper. Peri means around the seed. In some seeds, nucellus remains even after maturation in the form of perisperm. Example is paper, black paper, beet, etc. Now there are two types of fruits, true fruit and false fruit, eucarp and pseudocarp. If the ovary only develops into fruit, it is eucarp, and sometimes thalamus or other floral organs other than ovary participate in fruit formation, then called pseudocarp or false fruit. Tomato is a true fruit and apple is false fruit. In case of apple, thalamus become fleshy like a fruit, which is an additional structure which is edible to us. So it is a false fruit. A fruit has three parts: pericarp, that is outermost layer, mesocarp, middle layer, and endocarp, that is the innermost layer. Now the seed structure. Some important seed structures are to study in NCERT. These are, first is bean seed. Bean seed, it is like this. It is outer convex surface, it is concave surface. It is called kidney shaped structure in outline. It is brown in color. It is non endospermic seed and dicotyledon. Now inside it is these parts remaining. Remaining part, that is raphe, hilum, radical, micropyle. And when the seed cotyledons are very slowly opened, then the plumule and radical also become visible. Here testa is thick. Testa is the outer lining. And the tegmen, that is very powdery structure, it is not very much developed here. Now the most familiar seed, main seed. You have seen a flat oblong seed, broader in the posterior region and narrower in the interior region, appears in different colors. It is monocotyledonous and endospermic seed. Approximately 1/3 part of this seed is filled up with endosperm, that is edible part to us. It is single seeded fruit called caryopsis. Its distal broader part contains as the remains of a style as the papilla. The deltoid region, that is a depression on the surface, it represents that inside it is the presence of embryo. Its endosperm is covered with a protein layer that is called allurion layer. Its single cotyledon is called scutellum. Scutellum and endosperm fuses. Here it fuses to form epithelial layer. It produces zeolanin, and this plant hormone helps in germination of the seed. The onion seed. It is monocotyledonous, endospermic, black in appearance, and its surface is wrinkled. Its embryo inside is curved, and its endosperm is very hard. Now, seed viability. What is seed viability? Viability means कि जो seed है वो कितने period तक रखा जाए
सुटेबल इन्वायरमेंट में, और उसके बाद फिर भी वो जर्मिनेशन की कैपेसिटी उसमें है, तो इट इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच द सीड रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट। और अलग अलग सीड कुछ एक सीजन में ही वायबिलिटी खो देते हैं, कुछ वर्षों सैकड़ों वर्षों तक नहीं खोते हैं। तो ये जो डिटर्मिनेशन है इनका, ये जेनेटिक होता है और इन्वायरमेंटल भी होता है। तो जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं कि ट्राइफोलिया में हंड्रेड्स ऑफ ईयर चलता है, 2 to 5 years इन मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स में चलता है, तो ये बहुत बड़ा वेरिएशन लिया हुआ होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट सीड्स को देखा, किसमें इंडोस्पर्म है, कैसा है, मोनोकॉट डायकॉट है ना, और इस तरह से सीड और फ्रूट का सिलेबस डिस्कस किया गया। थैंक्स।